राधे राधे। आप सभी दोस्तों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट पर दोस्तों जानेंगे धनतेरस पर राशि के अनुसार आपके लिए कौन सी चीज़ खरीदना शुभ है। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग सोने या चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते हैं। इस दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि लोग धनतेरस के दिन वाहन और अन्य सामानों की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी निर्धारित होता है और मुहूर्त के दौरान खरीदारी करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपनी राशि के अनुसार भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस धनतेरस पर आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा सामान खरीद सकते हैं और कैसा सामान खरीदना आपके लिए शुभ और अच्छा रहेगा। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन चांदी खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी भी अच्छी होती है। यदि कपड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लाल रंग का शर्ट जरूर खरीदें। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस दिन चांदी या तांबे का बर्तन इनके लिए खरीदना शुभ होता है। इससे भाग्योन्नति होती है। घर के बुजुर्गों के लिए कपड़े खरीदना आपके लिए शुभ होगा। चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं आप। साथ ही किसी को चांदी का उपहार भी दे सकते हैं। और अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या सामान खरीदना शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों को इस दिन सोने के आभूषण या सोने का सिक्का खरीदना चाहिए। घर के लिए जरूरी वस्तु की भी खरीदारी की जा सकती है। मिथुन राशि के लोग घर में बरकत बनाए रखने के लिए किचन के आइटम जरूर खरीदें। और अब जान लेते हैं कर्क राशि के जातक के लिए कौन सी चीज़ें शुभ हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस दिन चांदी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना अच्छा होता है। आप सफ़ेद रंग की कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं। आपके लिए चांदी का श्रीयंत्र खरीदना भी शुभ होगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए क्या खरीदना शुभ है। सिंह राशि वालों के लिए तांबे का बर्तन खरीदना अच्छा रहता है। इस दिन आपको शेयर आदि में निवेश से बचने की ज़रूरत है। आप सोने के आभूषण भी खरीद सकते हैं। और अब जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लोग इस दिन गोल्ड सिल्वर आदि की खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी दिन अच्छा है। हाथी दा से बनी वस्तुएं भी आपके लिए शुभ साबित होंगी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या खरीदना शुभ है। आपको लोहे की वस्तु खरीदने से परहेज करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही सोने चांदी के सामान बर्तन आदि खरीदना भी अच्छा होता है। इस दौरान नया मोबाइल खरीदना आपके लिए शुभ हो रहेगा। और मकर राशि के जातक क्या खरीदें इस दिन। मकर राशि वालों के लिए आभूषण बर्तन आदि खरीदना अच्छा रहेगा। हालांकि आप इस दिन कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो वो फलप्रद ही रहेगी। आपको अपने लिए नीले रंग के कपड़े भी खरीदना चाहिए। और अंत में बात करते हैं मीन राशि के लिए क्या खरीदना शुभ है इस दिन। मीन राशि वालों के लिए इस दिन सोने और चांदी के सामानों के साथ ही लकड़ी के सामान की खरीदारी भी शुभ होती है। आप कपड़े भी खरीद सकते हैं इस दिन। आप घर के सजावट के लिए इस दिन पीले फूल भी खरीदें। तो दोस्तों इस धनतेरस अपनी राशि के अनुसार सामान अवश्य खरीदें। इससे आपको कई शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सही सस्नेह। नमस्कार दोस्तों, अपनी एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से
पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सीने में दर्द और सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।